दोस्तों, ये सेब का 2 साल का पौधा है। हाइट आप देख सकते हैं 10 फीट से ज़्यादा है। और इस पौधे में कैंकर 2 टहनियों में लगा हुआ है, एक इस टहनी पर और एक इस छोटी वाली टहनी पर। देख सकते हैं इसका प्रभाव कैसा होता है, थोड़ा थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का। और यहाँ पर देखिए, और हम इसका उपचार करेंगे अभी। अगर उपचार करने के लायक होगा तो उपचार करेंगे, वरना हमें इसे काटना पड़ेगा। इस वाली टहनी में यहाँ पर देखिए आप, जो कैंकर है, इस टहनी की हमें बाद में भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर इसकी ब्रांचेस निकलेगी तो आपस में टकरा सकती है। तो इसको हम बेहतर है कि यहीं से काट लें। ये रहेगा, बिल्कुल साफ है, लेकिन इसका प्रभाव दिखाएंगे। ये देखिए, बीच में जो है सड़, जो ब्राउन है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो टहनी है वो सड़ रही है। और कहाँ तक इसका असर हुआ है ये देखिए, आधी काट ली, लेकिन तब भी जो कैंकर है वो ख़त्म नहीं हुआ है इसका। इसके बाद जो है टहनी बचती है इतनी, तो उससे तो अच्छा है कि इस टहनी को ही काट लें, इसलिए मैंने ये जो टहनी है इसको काट दिया कैंकर वाली। अगर हमें लगता है कि ठीक होगी तो हम इसका उपचार कर लेंगे, अदरवाइज हमें काटनी पड़ेगी। ये पहले इस वाली टहनी को काट लेते हैं। ये देखिए, बिल्कुल अब अगर ठीक होने के लायक होगा तो इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे हम, अदरवाइज। ये देखिए, इसको काटने में ही भलाई है। अब इतना कर, जब घाव हो और यहाँ तक जो है पूरा आपका कैंकर निकल जाता, तब हम पेस्टिंग लगाकर जो है इसकी मरम्मत कर सकते थे, लेकिन अब इसकी मरम्मत नहीं की जा सकती, तो इसीलिए हम इसको काट देंगे। तो बिल्कुल आपने शार्प कट रखना है इसका यहाँ पर। यहाँ पर देखिए आप, कोई घाव नहीं है या कोई ऐसी बीमारी नहीं दिख रही, बिल्कुल साफ है यहाँ पर। अगर संभावना होगी तो इसको हम काट देंगे, लेकिन अगर इतना घाव आपका इससे कम होता तो उसको बिल्कुल इस तरीके से साफ़ करके, और इस तरीके के नीचे जो छाल आती उसके ऊपर हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट और अलसी के तेल का लगाते। अब इसको देखते हैं कितना कैंकर जो है इस टहनी पे लगा था। ये देखिए, तकरीबन आधे से ज़्यादा तक यहाँ पर टहनी में जो है इसका असर हो गया था, तो इसलिए हमें काटनी पड़ी। ये काफ़ी नीचे तक असर हुआ है इसका, तो काटने में जो है इसकी भलाई थी पौधे की भी। इस तरफ अभी ये जो छोटा सा हमें दिख रहा है ब्राउनिश कलर का, ये देखिए, इसको भी हम जहाँ तक संभव हो सके, नहीं तो ये फिर बाद में दिक्कत देगा हमें। ये देखिए, ये कैंकर का रूप लेगा नीचे को। और इसके बाद आपने जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, ब्लाइटॉक्स और अलसी के तेल का पेस्ट बनाना है इस तरीके से, और इसके ऊपर पेस्ट कर देना है। ये फंगीसाइड के रूप में जो ब्लाइटॉक्स है, जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आपका, वो काम करेगा, और जो अलसी का तेल है वो इसको पौधे के साथ चिपके रहने में मदद करेगा, क्योंकि जब बारिश होगी तो ये छोड़ने नहीं देगा आसानी से पेड़ को।
और इस तरीके से इसकी जो इम्प्रूव की वीडियो है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा तकरीबन 4-5 महीने बाद, या रिज़ल्ट देखेंगे कि क्या रहा है। हिमाचल के कोटली जिला मंडी में जो है इसको लगाया है, 2 पौधे हैं, एक वाला हमारे पास ये पौधा है, इसमें कोई बीमारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, साफ है अभी एक्सपेरिमेंट के तौर पर। और जो पहली दूसरी साल में इसकी समस्या आई है, ये पहली साल तो निकल गई है, लेकिन दूसरी साल में जो कैंकर की दिक्कत आई तो उसको अभी रिपेयर कर दिया है। और कहाँ तक ये ठीक रहेगा या फिर सक्सेस रहेगा इस लो हाइट में या नहीं, तो उसके बारे में आपसे जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करती जाती रहेगी आगे को भी। और अगर आपके पास जानकारी है इससे बेहतर और इस पौधे को ठीक करने के लिए, तो आप ज़रूर कमेंट करें। आशा करता हूँ आपको सेब की ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, तो आगे भी बागवानी से जुड़े जानकारी के लिए आप चैनल में बने रहिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।